बड़ा ही विश्वास करते थे, बड़ी ही माता की पूजा अर्चना करते थे। एक दिन राजा सपरा जी ने भक्ति भावना पूजा पाठ थे, माता बड़ी प्रसन्न हो गई। माता जी ने शेर के सवार होकर 16 श्रृंगार करके दर्शन दिए। क्या है माता जी 16 श्रृंगार? असल लोग बोलेंगे कि माता जी का पूर्ण रूप क्या है, शेर के सवार 16 श्रृंगार। लेकिन 16 श्रृंगार है ना, कैसे बड़े ही प्रेम के सुनने सारे सेवका ने सारे पता होना चाहिए। तो पहला श्रृंगार है माता जी का ओंकार। क्या है माता जी का पहला श्रृंगार? सारे बोलो ओंकार। और दूसरा श्रृंगार है सूर्य और चंद्रमा। और तीसरा श्रृंगार है तीन लोग। और चौथा श्रृंगार है चार भेद। और पांचवा श्रृंगार है पांच पांडव। छठवां श्रृंगार माता जी से छह शास्त्र है। सातवां श्रृंगार माता जी सब ऋषि। आठवां श्रृंगार माता जी आशीर्वाद करने माला। नौवां श्रृंगार माता जी नौ नौ नवरात्र हैं। अगला श्रृंगार साधु समाज। ग्यारहवां श्रृंगार माता जी ग्यारह रुद्र हैं। बारहवां श्रृंगार माता जी बारह राशि मेष वेश मिथुन करसी हैं। कन्या तुला वृष धन मकर को मीन। और तेरहवा श्रृंगार माता जी तेरा समुंदर। और चौदहवा श्रृंगार माता जी चौदह भवन। और पंद्रहवा श्रृंगार माता जी पंद्रह तिथियां। सोलहवा श्रृंगार पूर्ण माता जी 16 श्रृंगार हो सारे बोली जय माता दी। माता जी शेर पे सवार होकर 16 श्रृंगार करके प्रकट हो गए। और माता जी ने बोले राजा सपरस मैं तेरी भक्ति भावना पूजा पाठ से बड़ी ही प्रसन्न है, तू मांग मेरे दरबार में क्या मांगना चाहता है? राजे ने बोले मां आपका दिया हुआ मेरे पास सब काफी है, लेकिन मां मेरे राज महल में कोई संतान नहीं है, औलाद के बिना बढ़ाई अधूरा है, मां समझो संतान प्राप्ति का वरदान दे दो। तो माता जी ने बोले राजा सपरस तेरे भाग्य एक पुत्र का सुख नहीं है, लेकिन मैं तुझे दो कन्या का वरदान दे दी। राजा मेरे वरदान के नाल तेरे घर दो कन्या ने जन्म लेना है। राजी जो माता जी ने दो कन्या का वरदान दिता, अंतर ध्यान हो गए। एक साल बीत गया। एक साल के बाद राजी दे माता जी की पूर्ण कृपा हो गई। क्या कृपा हो गई? एक साल के बाद राजी देवर माता मरियो एक कन्या ने जन्म लेना है। और जिस टाइम से कन्या पैदा हुई ना, तो पैदा होगी इसे बोलना नहीं। जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, बिल्कुल बोलो जय माता दी। जय माता का उच्चारण जिसे कन्या करना, साक्षात माता जी ने अवतार ले लिया। राजा सपरस सिद्ध राज में आ गए। राजे ने माता मरियो अपनी कन्या नाम पता क्या रखिया? राजे ने अपनी कन्या नाम रखा तारा देवी। ये मेरी तारा देवी है। दो साल बीत गए। दो साल के बाद राजे दे माता जी की और कृपा हो गई। क्या कृपा हो गई? कि माता बोले की दूसरी कन्या ने भी माता बहन जन्म ले लिया। राजे ने बोले की पहले तो मेरे घर की कन्या आई थी, इस कन्या के आने के मेरे राज महल के चार और हरियाली हरियाली चार खुशी ही खुशियां आ गई थी। हूं तो मेरे राज महल ताई और कन्या पैदा हो गई है माता जी के आशीर्वाद से। हूं तो मेरी बराबरी करने वाला कोई धनवान आदमी नहीं होना है। राजी जो माता प्रेमियों अपनी संतान के ऊपर अभिमान हो गया, घमंड हो गया। राजी ने अपनी दूसरी कन्या ली और पार पंडता वाली गई महाराज पंडित जी से कल भी बोलना। हे पंडित जी ये मेरे घर कन्या हुई है, महाराज पंडित जी ये मेरे घर कन्या हुई है, इसका लग्न न दाती हो क्या क्या खुशियां लाई राज में, क्या क्या खुशियां लाई राज में, बतलाती हो क्या क्या खुशियां लाई राज में। महाराज पंडित जी ये हमारे घर कन्या हुई है, इसका लगन लगाई दो, क्या क्या खुशियां लाई है हमारे राज महलों में, जल्दी हमें बतलाई दो। उन पंडिता ने उस कन्या की जन्म पत्री बनाई, माता भाई में कृपा बनाई और जो फल के संगे बताना राजन। राजा जी लगता राजा जी
राजन लगता है लगन से होनी तुम पर आ गई है, राजा से भिखारी बनना ये पत्नी हमें बतला रही है। ये कन्या आपके राज महल में रहेंगी राजा, तो जितना भी धन दौलत है राज दरबार है सब कुछ नष्ट हो जाना है। इतनी माड़ी पर नहीं आएगी राजा आपके राज महलों में, इतना जो बिखरी मांगना पड़ सकती है, दर दर ठोकरा नहीं खाना पी सकती है। राजे ने बोला महाराज पंडित जी तो विद्वान आदमी है ज्ञानी आदमी है, महाराज समझो कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी कन्या किसी न किसी घर पड़ी नहीं जावे और इस कन्या मैनू किसी तरह का पाप ना लगे। उन्होंने पंडित ने बोले राजा हमारे पास है उपाय। राजे ने बोले पंडित जी क्या उपाय है? उन्होंने पंडित ने बोले राजा तू ऐसा काम करना कि आधी रात सुने एक सुंदर दिया बक्सा बनवाए लो राजा जी, बाहर हीरे मोती दियो जड़ बाई तेरी दौलत जावे। ऐसा काम करना राजा आधी रात के समय तुसा एक सुंदर संदूक बनाना है, उस संदूक के बाहर हीरे मोती लगवा दे, अपनी दूसरी कन्या लैनी उस संदूक में पा देना है, आधी रात के समय पानी परनाई देनी सब कन्या। राजा जिस किसी ने भी हीरे मोती ना लगा संदूक खड़ा है उसने ही इस संदूक को पकड़ी लेना है, और जिस किसी ने भी इस संदूक को पकड़ी लेना है उसने थोड़ी कन्या पानी लानी है जिसके कारण तुझे कोई पाप नहीं लगना है। राजा ने बोले ये तो बड़ा ही अच्छा उपाय है। राजा ने माता बोले मैं उसी तरह करता, आधी रात के समय एक सुंदर संदूक बनाया, बाहर हीरे मोती लगवाई थे, राजा ने अपनी छोटी बच्ची लई उस संदूक में छुपाई, आधी रात के समय माता बोले पानी उस पर नहाई किसे करे। रुड़दा रुड़दा संदूक जामदा मेरी माता जी बिच कासी हरिया जाई रुड़ता है तो ऐसे संदूक को पकड़ी लैन तो मालो माल हो जाना है। लेकिन माता बहन वो संदूक उन्होंने पंडित से नहीं आया, रुड़ता संदूक आगे चली गया, आगे जाके जमेदार थे सवेरे मछलियां पकड़ने वास्ते उस दरिया आए, उन्हें जमेदार की नजर उस संदूक च पई ना, उन्हें जमेदार ने माता बरेलियों उस संदूक को पकड़ने की कोशिश की ना, वो संदूक अपने आप ही उन्हें जमेदार के वाले आ गया। उन्हें जमेदार ने उस संदूक को पकड़ी लिया, अपने घर नहीं गए, अपने घर तक खोलिया ना तो एक बड़ी ही सुंदर होनहार कन्या निकली संदूक के बीच। देखो माता जी के आशीर्वाद जो कि माता बरेलियों उन्हें जमेदार के घर भी कोई औलाद नहीं संतान नहीं थी। देखो माता जी ने उन जमेदार की जोड़ी किस तरह भरी, वो जमेदार बड़े ही लाड प्यार करने उस कन्या पालना, स जमेदार माता बरेलियों अपने घर जो गए अपनी पत्नी के लगे बोलना जमेदार नहीं जो बोले जमेदार नहीं है जी तू क्या कमा रही हो भाई कुछ नहीं थी मैं कमे लगी हो करे ये देख ऐसा गलता बिट्टी हो गई गोड़ बटोल किसान नाम करण करना मुनिया सर नाम रखना प्रभु जी कन्या रुड़ दिया जी हो रोंदी ज्यादा राय पर नाम रखा राय पर नाम रखो तो माता बहन जिम्मेदार के बोलना बोले जिम्मेदार नहीं है मुझे तो भाई कोई नाम हो तो मेरे दिमाग में सरखी है ना कोई रखा प्रभु जी तो माता बहन जिम्मेदार अपनी बेटी का नाम करण करना नाम लगे रखना सके लगे बोलना महाराज रुकमण नाम रखिया उन्होंने जमेदार ने क्या नाम रखे सारे बोलो रुकमणी कथा बोलो बोल रुकमण
रुकमण नाम रुकिया उन जनदार ने घर रुको रुको दिते थे गलाई थी दोस्त जाके अपनी सारी ही राजधानी ऐलान कि मेरी तारा देवी जवान हो गई है, असा इस विवाह करना है। राजा ऐलान करना माता बहनी अपने गांव सके लगे बोलना और आज खरीदाई राजा सरपरस जी ने अपनी बेटी तारा देवी का विवाह कीता। हरिपुर गुलेर दे राजा और डिस्ट्रिक्ट माता बहनी कांगड़ा दे रहने वाले राजा हरिचंद जी ने माता बहनी तारा देवी का विवाह हो गया। और जिस टाइम तारा देवी का विवाह राजा ने होई गया ना तो सारे तारा रानी ने कह बोल राजा हरिचंद और तारा रानी जी अपने राज महलों में माता बहनी रहने लग पड़े। और दूसरी तरफ रुकमण भी माता बहनी ब्याह ब्याह हो गई। रुकमण रिश्ता ग्रस्त होया राजा हरिचंद और तारा रानी जी के राज महलों के विच एक नौकर रहिंदा सी सर माता बहनी नूं झाड़ू लगाने का काम करता सी सफाई अभियान का काम करता सी। उस नौकरी ने रुकमण दे रिश्ता खोई गया देखो माता जी आशीर्वाद जो कि माता बहनी नूं तारा राणी और रुकमण दोनों सखियां बैठना पैना सी। देखो माता जी ने उन्हें दोनों बहनी बहन का मिलान किस तरह करना सी। वह जमींदार बड़ा ही रीति रिवाज कन्नै रुकमण दा विवाह भी करना सर माता बहनी नूं जमींदार अपने घर च गए और अपनी बेटी जी पूछना बोले मुनिए मुझे मठरी तेरा ब्याह कर लेना सर करी दिया ब्याह ब्याह होना ना कर करा तो हां ब्याह ये दिखे के है ता हो भाई काम मोड़ा बड़ा सुंदर हो भाई देखो ला ये करा मोड़ा जो ताई चलो तुहां जे करी है ना है ठीक ही होना सरकारी नौकर पोस्टर च भी पक्की हो बड़िया खुशियां लगिया मनाना बोले सर रुकमण जो बुटना लगाना बुटना लगिया लगाना माता बहनी जमींदारी रुकमण जो ना उस समय जनानिया क्या लगिया गाना ओ बाए बा की बुटना
Yeah.
माता प्रेमी जानता सत्या लगा बोलना
बड़े रुकमण जो राजा हरिचंद और तारा रानी जी ने अपने राजमहल में बुलाया है और जो मेरे रानी बड़ी ठीक है महाराज, मैं चाहूँ की बैल लगे पर तू शायद सतो हक के समान देगी। मैं क्यों माना रुक माना, मैं भी जाते हैं जमींदार राजा महाराजे मैं लगे जब एक झाड़ू निभाने का काम करता है, मैं मैं लगा सरकारी नौकर। ऐसी गल है प्रभु जी, मर्द तो जनानी है बदी झाड़ू लगानी है, मैं झाड़ू लाई कर की तुसा और काम कर लेने कोई तो माता भाइयों अगले दिन रुकमण ने अपना संग्राम ध्यान दिता, माता जी का पूजा पाठ किया और माता भाई को तारा रानी जी राज महल होकर चले गए। रुकमण बाहर ही खड़ी होकर रुकमण ने बोले कि मैं जाति जमींदार नहीं है, ये राजे महाराजे ब्राह्मण आदमी, मैं इन्हें अंदर ही चले जाना है। और जिस टाइम तारा रानी जी ने अपना पूजा पाठ देना भगवान सूर्य जो अर्घ देने वास्ते होना है और पीपल जो पानी देने वास्ते होना है तो मैं तारा रानी जी ने मिल लेना है। रुकमण बाहर पीपल के पेड़ नीचे बैठी गई और माता भाई भी तारा रानी जी अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। माता भाई भगवान सूर्य जो अर्घ देने वास्ते आए ना तो बाहर आगे कह दिते हैं कि रुकमण तो बाहर पीपल के पेड़ नीचे बैठे। उस तो बाद तारा रानी दौड़ते दौड़ते गए अपनी बैग में रुकमण की संख्या लगे बोलना, बोले रुकमण तो बाहर क्यों बैठ गई थे अंदर आ जाना था महल के बीच। ऐसी गल है महाराज, असल जाति के जमींदार नहीं चलते, तुसा राजे महाराजे अंदर उन्होंने सोवा नहीं पाता जी बाहर ही बैठे। ये रुकमण तू कैसे बोल करती है, असल में सब में बैठना बैठना है तारा रानी और रुकमण। नहीं नहीं कोई और गल है तो तुझे विश्वास नहीं हो करता ना मेरी गल का, मैं पिछले जन्म दी गल्ला भी जानती हूं। असल तो नहीं पिछले जन्म दे विच तो नहीं बैठी बैठी एक निर्जला कादस का व्रत रखा था, उस व्रते वाले दिन मैं जो फलवार लेने वास्ते बाजार भेजा था तो मेरे पैसे फलवार नहीं आए थे, अपने पैसे ने गरम गरम मीट मछली के पकौड़े खा लिया थे, तू बड़ी बारी स्वादन मैं तुझे शराब देता था कि जा तेरी जड़ बुद्धि होगी नीच योनि होगी तू मेरे शराब देना, तू बता तू बड़ी जड़ बुद्धि जेडी भगवान भोलेनाथ और माता पार को दी थी कुटिए बार जेडी बने डाली थी ना सब बने डाली भी तू ठीक है। उसके बाद भगवान शंकर जी तेरा बने डाली रूप बदल के एक सुंदर कन्या रूप बनाया था 12 साले कन्या, वो कन्या भी तू थी ठीक है। उसके बाद कन्या भगवान शंकर जी लगी चलना तो माता भाई कई लोग अच्छा लगी पाया बोलना भगवान भोलेनाथ जो और कई लोग माता भाई बोल लगी पाया बोलना, भगवान शंकर जी ने अपना माता प्रेमी अपमान समझे। उस तो बाद भगवान शंकर जी ने उसका कन्या रूप बदल के एक नीच रूप बनाई था किरली का रूप, वो किरली भी चूरी थी ठीक है। उसके बाद उस किरली ने माता प्रेमी पांडवा दे यज्ञ भंडार के बीच सारे 33 करोड़ देवी देवता का माता प्रेमी उधार किया था। उस तो बाद भगवान शंकर जी ने उस किरली जो वरदान दिता कि जा किरली तेरा राजा महाराजे के महल में तेरा जन्म होगा लेकिन पालन पोषण तेरा राजा महाराज के महल नहीं होना है, तेरा पालन पोषण जमींदार के घर होना है और तारा रानी तेरे सके बैठ होने हैं, माता रानी ने तेरा सुधार करना है रुकमण बहन, मैं तो फिर सभी बहन तारा रानी जो विश्वास हो गया ना तो माता बरेगी रुकमण जो पूर्ण विश्वास होगी तारा रानी ही मेरे सके बैठ है। आपू जी बैठना बैठना बड़ा भारी हासा मजाक करती थी, गलानी थी, बोलती थी, बड़ी गप्पा शप्पा मारती थी। एक दिन तारा रानी जी ने बोले रुकमण दिख तेरे विवाह इतने बार दिन हो गया और तेरे घर कोई औलाद नहीं है संतान नहीं, जा मेरी माता जी का दरबार बड़ा सच्चा दरबार है, जा मेरी माता जी दे दरबार देके प्रार्थना कर की मां मेरे घर पुत्र होगा या कन्या होगी तो मेरी मां मैं सुन जागरण अपने घर करवावा, तो मेरी माता बहना की कोई भी संतान प्राप्ति सुखन करना चाहे सब माता जी माता दरबार के माता बलदियों आ सकते हैं, माता जी के फल ले सकते हैं और सवेरे समय है और जड़ी इस तो मैं सुखन करनी है सब फलीभूत हो जाए। रुकमण महाराज के दरबार के सामने गई
और माता जी कन्ने अरदास भी करना मां नैनू लाड लड़ाने दा चाहा विचला से दो काफी नैनू लाड लड़ाने दा चाहा विचला से दो काफी तू जाती
जमींदारी रुकमण अस राजे महाराजे ब्राह्मण आखना वो तेरे घर की वार्ता करना ये कोई गल बनती है नहीं पंडित जी भगवान के दरबार ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हुंदा महाराज मिंजो राणी ने भेजा है तुसा वाली प्रभु जी जेडे तारा राणी से मेरे बहन है महाराज उन्हें मेरे घर आई ने जोत जगानी है तुसा भी आई है अपनी पार्टी ले माता राणी का जगराता करने का ऐसी गल करो मैडम तेरे घर तारा राणी जी ने माता जी जोत प्रचार करनी है हां जी ओ जी तू राजे महाराज ने आई आना ना असा भी अपनी मंडली लेने तेरे घर आया अच्छा ठीक है माता जी का प्रोग्राम करने वास्ते ठीक है तो माता भाई ने वो वाला दिन आ गया जिस दिन रुकमण के घर माता जी जागरण तो तारा रानी जी ने माता जी की ज्योति प्रचारण करने वास्ते अपनी बहन के घर रुकमण के घर जाना था जेडे तारा रानी के पति थे राजा हरिचंद जी ला सैनी मंदिर की माता भाई ने तारा रानी और रुकमण दोनों सखियां करना पैना था और ना ही सृष्टि जो मंदिर थे कि भगवान की कोई शक्ति है राजा हरिचंद जी के राज महल के बीच एक माता देवी ना ही रहते से बड़े ही चलाक थे उस ना जो सब कुछ पता था कि अब तारा रानी के रुकमण के घर जमींदार के घर जाना और नीच प्रसाद का भोग भी ग्रहण करना है उस ना ने क्या किया राजा बैकाई के राजा अब तुझे तारा रानी जी है ना जमींदार के घर रुकमण के घर जा कर दी है उसने नीच प्रसाद का भोग भी ग्रहण करना है और तुम अपनी राणी रोनी सुन रोक लो बड़ा भारी अर्थ होने वाला है राजे ने बोले हर बार आज्ञा तो तू सत्य बोल रहे हैं और सत्य बोल रहे हैं तो ऐसा काम कर कि तुम जो कोई ऐसा उपाय दस कि मेरी तारा राणी रुकमण के घर जमींदार के घर नहीं जा पाए और चली गई तो बड़ा भारी अर्थ हो जाना है तो माता प्रेमी उस नानी ने क्या उपाय दस राजे जी अपनी जोड़ी की उस तरह निकाली राजे की माता प्रेमी उंगली कटी उभरते माता प्रेमी नमक छिड़क राजा ये जख्म के ऊपर नमक छिड़कने तुझे बड़ी भारी पीड़ होनी है दर्द होनी है थोड़ी पूरी रात के अंदर नहीं होनी थोड़ी पूरी रात के अंदर नहीं होनी तो तारा राणा जी ने अपने राज महलों से रुकमण के घर जमींदार के घर नहीं जा पाए जाओ चले जाओ राजा अपनी पत्नी तारा राणी जी को अपना दुखड़ा सुनाओ जाके महलों में राजा अपने महलों में गए और माता बोली तारा राणी से कह के बोलना बोले राणी दिख बोला मेरी उंगली चुरी होया।